लेकिन बीजेपी वालों ने पलवल की जनता को, जिले की जनता को इतना बुरा आघात यहाँ पहुँचाया कि उसकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। जैसा बीजेपी वालों का कहना था कि डबल इंजन की सरकार, हम जो 2019 जो गया उसके अंदर डबल इंजन नहीं, मैं कहता हूँ सारे इंजन इनके थे, पार्षद इनका, चेयरमैन इनका, विधायक इनका, एमपी इनका, प्रधानमंत्री इनका, लेकिन जो काम इनके जब होने चाहिए थे, जो हमारे गांव के प्रधान से लेके देश गांव के प्रधान से लेके देश के प्रधान तक सब इनको इंजन दे दिया हमने 2019 के अंदर। जो मेट्रो हमारी आने चाहिए थी वो आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? टोल टैक्स हमारी छाती पे रखवा दिया गया जबरदस्ती, जबकि अनलीगल उसमें कई चीजें ऐसी पाई गई। फिर गदपुरी के अंदर आए सीएम साहब खट्टर साहब, ही उन्होंने कि हम पलवल तक मेट्रो लाएंगे, सीएम तो बदल गए लेकिन पिलर नहीं आगे बढ़े। हम लोगों को तो ये समझते हैं टिश्यू पेपर, यूज एंड थ्रो, यूज करो। वोट के नाम पे तो हिंदू मुस्लिम सब याद आएंगे इनको कि भैया तू आ जा वोट दे, आज आप नगर परिषद में चले जाओ, एक प्रॉपर्टी आईडी ले लीजिए, विदाउट खर्ची पर्ची अगर काम हो जाए तो आप कह देना। अच्छा ये बताओ माहौल क्या है? माहौल ठीक चल रहा है, बीजेपी का साइलेंट वोट है, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। 80 SCS लगे थे, इनमें से 78 गुजरात के थे, क्या हरियाणा का ऐसा कोई आदमी नहीं था? ऑन रिकॉर्ड आप चेक करिए, जब से भाजपा सरकार ये है 10 साल से काम हो रहे हैं। क्या क्या काम अच्छे काम हो गए? बहुत अच्छे काम हुए हैं, गंदगी के पहले ढेर लगे थे, अब 5-5 बार गाड़ियां आती है गंद उठाने के लिए। अच्छा हरियाणा में चुनाव का माहौल बना हुआ है, अगर आप पूरे हरियाणा में किसी कोने में चले जाएं, अगर कोई बात होगी तो केवल चुनाव की बात। आप छोटे बड़े नर नारी कहीं चले जाएं, अगर आप किसी से पूछेंगे हरियाणा में क्या चल रहा है तो लोग कहेंगे चुनाव चल रहा है। तो चुनाव को लेकर के हमने भी प्रयास किया है कि जगह जगह जा करके लोगों से पूछें कि आखिर उनका मूड क्या है, मतदाताओं के दिल में क्या है, मतदाता चाहता क्या है। सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं लेकिन विरासतें हमेशा कायम रहती हैं। मैं आज एक ऐसे शहर में हूँ जो अगर देश के अंदर बिना मात्रा के शहर गिने जाएंगे तो गिनती के होंगे, और उनमें एक शहर है पलवल। अगर आप पांडवकालीन इतिहास में जाएंगे तो आपको पलवल मिलेगा, पलवल जिसे पल्लवों का शहर कहा जाता है, यानी कि तालाबों का शहर। और पलवल से दूसरा जो जाता है शब्द वो जाता है कि पलवल की संघर्ष, पलवल की जो विरासत है, जंगे आज़ादी की लड़ाई हो तो महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी पलवल में हुई, अगर उसके बाद आप चाहें सत्ता परिवर्तन की बातें हों तो पलवल ने बड़े बड़े परिवर्तन किए, देखे और सुने। अगर मैं ये कह दूं कि राजनीति के अंदर पलवल का एक अपना महत्व है, चाहे वो मुगल शासन था, चाहे वो अंग्रेजी सल्तनतें थी, और चाहे फिर अपना लोकतंत्र आया, पलवल ने सब कुछ देखा। और सब कुछ देखते देखते आज पलवल फिर जिला बना, और आज पलवल जिला बन चुका है लगभग 20 साल का, यानी कि किशोर अवस्था पार करने की तरफ है, और एक चौथा चुनाव की तरफ फिर पलवल है। 2007 में पलवल जिला बना था, 2009, 2014, 2019 ये 3 चुनाव देखे, हर चुनाव में परिवर्तन किया। 2009 में पलवल में सुभाष चौधरी विधायक बने थे इंडियन नेशनल लोकदल से, करण सिंह दलाल को हरा करके। 2014 में करण सिंह दलाल ने एक बार फिर से अपनी 4 बार वाली जो उनकी सत्ता थी, जो खो गई थी, उसको वापस पाया, 2014 में चुनाव जीते। 2019 का चुनाव करण सिंह दलाल फिर हार गए, ये चुनाव है अब की बार। इस चुनाव के अंदर बहुत कुछ बदला हुआ है, 2 चुनाव में दीपक मंगला पलवल से मैदान में थे, अब की बार वो मैदान में नहीं है, उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आ गए गौरव गौतम। पलवल की राजनीति के अंदर एक नाम चला करता था सुभाष चौधरी का, ईश्वर ने कल उनको हमसे छीन लिया। एक नाम चला करता था पलवल की राजनीति के अंदर सुभाष कत्याल का, सुभाष कत्याल इतिहास हो गए। 2014 के बाद वो किसी चुनाव में दिखे नहीं, 2019 में नहीं, 2024 में नहीं। अब इस चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, मतदाता सोच क्या रहा है, मतदाता के मन में क्या चल रहा है कि आखिर पलवल ने जो बड़े बदलाव किए देखे, अब कौन से बदलाव की दिशा में पलवल है। कोशिश करूंगा लोगों से जानने की कि पलवल के अंदर पिछले, अगर मैं 2.5 दशक की बात करूं तो अलग अलग 3 सत्ताएं रही। 2000 के अंदर हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। 1 दशक हरियाणा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया, और पलवल से उस दशक के अंदर आधा दशक करण सिंह दलाल और आधा दशक सुभाष चौधरी। 1 दशक हरियाणा ने दिया भारतीय जनता पार्टी को,
और उस दशक के अंदर आधा दशक करण सिंह दलाल और आधा दशक दीपक मंगला। अब पलवल क्या करने जा रहा है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है पलवल का? ऐसा है मग्गू जी, सबसे पहले तो मैं देश रोजाना के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि सब चैनल को अच्छी तरह देखते हैं। मग्गू जी, जो बीजेपी ने हमारा पलवल जिले की मैं बात करूंगा, लोकल मुद्दों पे मैं बात करूंगा, पलवल जिले में 2019 में तीनों के तीनों सीटें जनता ने बीजेपी की झोली में डाली जी। लेकिन बीजेपी वालों ने पलवल की जनता को, जिले की जनता को इतना बुरा आघात यहाँ पहुँचाया कि उसकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। इतना गुस्सा है लोगों का बीजेपी के ऊपर, जैसे उन्होंने तीन सीटें यहाँ दी थी उस तरह से जो है काम होने चाहिए थे पलवल जिले के। दलाल साहब ने जब ये जिला बनाया तो बनाया था, दलाल साहब ने जिला बनाया, सरकार ने जिला बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया, लगा लो सरकार ने बनाया। जो भी यहाँ रहता है विधायक उस टाइम उनको श्रेय जाता है, जब भी वो जब विधायक नहीं थे, लेकिन खाली श्रेय देंगे, अश्रेय भी देंगे ना, श्रेय जाता है जो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं, नहीं, नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बहुत दिन से डिमांड थी पलवल जिला बनाने की। जब नुहू में कुछ गांव हमारे जोड़ दिए थे तो बड़ी मुश्किल से हमने जब जिला बनाया तो कुछ हतीन के गांव हमने वापस लिए। पलवल की डिमांड तो उससे पहले थी जिला बनने की, नुहू जिला बन गया था उससे पहले जिले की डिमांड थी, नहीं बना था। वक्त होता है, हर चीज का वक्त आता है। जब जिला बना तो सबने सोचा कि जिला बनाया तो यहाँ बहुत सी तरक्कियां भी होंगी, बहुत सारे चीजें भी आएंगी जो चीजें जिले की आनी चाहिए। जैसे NCR में लगता था KGP KMP सब चीज आई, जब सरकार इनकी थी, तीनों की तीनों विधायक इनके थे, जिले पे आ जाते हैं वापस जी। जिले पे मैं बोल रहा हूँ, अगर जिला बनने का श्रेय करण सिंह दलाल को दे रहे हो जी, आज भी दे रहे हो, बिल्कुल दे रहा हूँ, जिला बनने का श्रेय तो लोगों ने आपका नहीं माना, 2009 में आपको हरा दिया। वो ठीक है, हम हरा दिए, लेकिन एक बड़ी यहाँ वैसी बात होती थी पलवल जिले की कि लोग ये कहते थे कि जब सरकार कांग्रेस की आती है तो यहाँ विधायक बीजेपी का बना देते हैं, जब सरकार उनकी आती है तो दूसरा विधायक हो जाता है। जैसा बीजेपी वालों का कहना था कि डबल इंजन की सरकार, हम जो 2019 जो गया उसके अंदर डबल इंजन नहीं, मैं कहता हूँ सारे इंजन इनके थे, पार्षद इनका, चेयरमैन इनका, विधायक इनका, MP इनका, प्रधानमंत्री इनका, लेकिन जो काम इनके जब होने चाहिए थे, जो हमारे गांव के प्रधान से लेके देश गांव के प्रधान से लेके देश के प्रधान तक सब इनको इंजन दे दिया हमने 2019 के अंदर। जो मेट्रो हमारी आने चाहिए थी वो आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? टोल टैक्स हमारी छाती पर रखवा दिया गया जबरदस्ती, जबकि अनलीगल उसमें कई चीजें ऐसी पाई गई कि जमीन एक्वायर नहीं करी, गांव से कोई रेजुलेशन नहीं कराया गया, BDO ने वहां के ने एक तोड़ने की परमिशन ली थी। 2009 से 14 वाली जो सरकार थी महावीर जी, उस समय मेट्रो आई बल्लभगढ़ तक जी, करण सिंह दलाल तब भी थे सरकार में, विधायक ही तो नहीं थे। नहीं नहीं, जो भी आई वो हुड्डा जी के टाइम में आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ पलवल क्यों नहीं, पलवल क्यों नहीं आई, तभी आनी चाहिए। मेरी बात सुनो, जिस दिन से आप उठा के देखना, जब भी कांग्रेस की सरकार थी तो मेट्रो का काम नहीं रुका था, जब BJP की सरकार आई तो मेट्रो का काम रुक गया, एक भी पिलर आप बताएं। CM साहब खट्टर साहब फरीदाबाद के अंदर आए, उन्होंने यहाँ पे घोषणा की पिछली उसमें 2009 की उसमें टर्म में कि हम जो है फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो लेके जाएंगे, एक भी पिलर वहां का नहीं लगा। फिर गदपुरी के अंदर आए CM साहब खट्टर साहब ही, उन्होंने कि हम पलवल तक मेट्रो लाएंगे, CM तो बदल गए लेकिन पिलर नहीं आगे बढ़े, पिलर नहीं बढ़े आगे। तो बताइए कैसे माफ करें, 10 ट्रेन यहाँ की बंद है कोविड के टाइम से, 10 ट्रेन बंद कर दी इन्होंने। गरीब आदमी नौकरी करने के लिए दिल्ली भी जाता है, फरीदाबाद भी जाता है, गाजियाबाद भी जाता है, लेकिन वो 10 ट्रेनें इनसे नहीं चल पाई, जबकि सारे इंजन इन्हीं के थे, अगर खींचना चाहते तो 10 ट्रेनों को खींच ले जाते, एक भी ट्रेन इन्होंने नहीं चलाई। यहाँ घोटालों की इतनी बात रही कि सड़कें बनती हैं बिगड़ जाती हैं, बनती हैं 6 महीने में टूट जाती हैं, कई सड़कों के पत्थर में ऐसे आपको दिखाऊंगा जिनमें मंगला जी ने दो दो बारी उद्घाटन कर दिया अपनी सरकार में, एक ही सड़क के दो दो बार पत्थर लगे हुए बाकायदा कि 3 साल बाद दोबारा सड़क बना रहे, जबकि एक बात होती है जब सड़क का टेंडर छूटता है तो वो 13 साल तक टूटनी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो टर्म्स कंडीशन फिक्स होती है उसके अंदर, बिल्कुल होती है। खैर, और भी बात करते हैं लोगों से। सेठी साहब, जवाहरनगर कैंप में आप रहते हैं? हाँ जी। जवाहरनगर कैंप में क्या समझते हो, क्या मूल जरूरतें अभी रह गई थी जो पूरी नहीं हुई? खूब हुई है, क्या खूब काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे काम, यानी कि पिछले टर्म में अच्छे से काम हुए हैं या जब से चल रहा है सब कुछ तब से अच्छे काम हुए?
जब से भाजपा सरकार रही है 10 साल से काम हो रहे हैं। क्या क्या काम अच्छे काम हो गए? बहुत अच्छे काम हुए हैं। गंदगी के पहले ढेर लगे थे, अब हाँ। पांच पांच बार गाड़ियां आती हैं गंद उठाने के लिए। अच्छा, और इसे ज्यादा क्या हो, हाँ। सड़कें भी बन रही हैं, हाँ। नालियां भी बन रही हैं, हाँ। ये नाली बनी हुई है कैंप में, क्या पानी भरा हुआ है दोनों साइड? नहीं, दुकानदारों ने बंद कर रखी है नालियां, वो क्या करें, पहले तो नालियां बनी हुई थी। अच्छा, और थली किसी की छोटी कर दी, किसी की बड़ी कर दी, वो तो नाली ढक गई। मतलब सरकार जिम्मेदार नहीं है, लोग जिम्मेदार? हाँ बिल्कुल, जो लोग जिम्मेदार है, गलत हो रहा है तो जो बाजार के लोग हैं, दुकानदार हैं। अब बाबू जी, नालियां तो थी, ये तो थोड़ी नाली नहीं थी, अब किसी ने ढक दी है, वो कहता मैंने करी अपनी, मेरी मर्जी है, मैंने बंद करा, मेरा जो कुछ करना है कर ले, फिर कहां जाएंगे वो, सिर फोड़ते हैं आपस में एक दूसरे का, और क्या, ये सरकार का, सरकार का कौन फोड़ेगा, आपस में लड़ते हैं अपने आपस में। हाँ, मैंने बंद करी है, मेरी चीज है, हाँ। मैंने अपनी दुकान के आगे बंद करी है। कुछ दुकानदारों से पूछ लेते हैं, जो आप कह रहे हो कि दुकानदारों ने बंद कर दी, आपकी भी दुकान है बाजार में? हाँ जी, हमारी। तो ये दुकानदारों का कल्चर बन गया है कि 4-4 फुट, 5-5 फुट, 6-6 फुट आगे कर लो। हमारी जिस टाइम से दुकान है, उससे पहले से ये जितने भी दुकानदार ये भाई हैं हमारे, उनके आगे दुकान के सबकी थलियां बनी हुई थी। जिस टाइम हमने अपनी दुकान बनाई, उस टाइम पे नालियां बंद थी, तो हमें भी साथ चलना पड़ा। मतलब जो पहले जो प्रथा चलती आ रही है, उसी पे चलते रहेंगे, बदलना नहीं चाहिए? बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। नेता बदलते हो, सरकार बदलते हो, खुद को क्यों नहीं बदल रहे? इस बार तो सब कुछ बदल देंगे जी। अच्छा, इस बार जो टिकट है हमें मिली है, युवा को, हमें इस बात की बहुत खुशी है। देखो, तीन युवा है, एक युवा तो गौरव गौतम है, गौरव गौतम युवा है, एक युवा हरित, नहीं आपने कहा सरकार टिकट मिली है युवा को, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ पहले। एक टिकट मिली है गौरव गौतम को, युवा है। एक टिकट मिली है अभिषेक देशवाल, वो युवा है। एक टिकट मिली हरित बैसला को, वो युवा है। ये तो तीन युवा हो गए। चौथी टिकट मिली है धर्मेंद्र को, आम आदमी पार्टी की, वो युवा है। और पांचवें करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि 25वीं बार विधायक बनना है, तो फिर वो भी युवा है, 25 साल की सरकार बनाएंगे वो। हमारे बड़े बुजुर्गों को बीजेपी चाहिए, हमें भी बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए। तो हमें दूसरे कैंडिडेट कोई युवा हो या ओल्ड एज हो या पुराने नेता रहे हो, हमें सिर्फ गौरव होता है। 10 साल की कोई बीजेपी की बता सकते हो 2-4 बातें, कोई जो ठीक अच्छी हो गई? इस बार ही हम लगे हैं। हाँ, नहीं अभी आप कह रहे हो कि हमारे बुजुर्गों को बीजेपी चाहिए। हाँ, तो अभी जैसे सेठी साहब ने बताया, हाँ। अभी जैसे सेठी साहब ने बताया कि 10 साल में काम हुए हैं। अब आज रोड जब जाके देखो ना, आप रोडों पे फ्लाईओवर देखो, आप इतने बढ़िया बन चुके हैं। अब यहाँ से आप बाहर की ले लो, पलवल से बाहर की, बल्लोगढ़ पार करने के बाद बॉर्डर पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। कहाँ 20 मिनट लगते हैं? बगोला रुक जाओ जा करके। अगर आपका, मैंने बल्लोगढ़ से कहा, नहीं बगोला से नहीं कहा, मैं तो पलवल की बात, मैं तो पलवल की बात करूंगा ना आपसे। मैंने आपसे यही बात, हम अभी पलवल बाहर की बात, जब मैं बल्लोगढ़ जाऊंगा उससे बात करूंगा। काम चल रहा है अभी, काम देखो, जहाँ काम चलेगा वहाँ जाम लगेगा। साहिल जी, आप यूथ हो, अभी आपने कहा, आपने कहा युवा सरकार बदलेगा, युवा सोच बदलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि एलिवेटेड रोड बनी, ये नेशनल हाईवे बना, इस हाईवे के ऊपर जो आज बन रहे हैं, उसके अंदर अंडरपास बन रहे हैं, पहले सो रहे थे नेता, क्या ये आगरा चौक पे आप जाके देखो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है ये नेता पहले सो रहे थे या जाग रहे थे? सर, कुछ चीजों में हो जाती है गड़बड़ी, क्योंकि उसमें रोड बन रहा है और उसमें उनको लग रहा है कि बाद में दिक्कत आ रही है, तो उसको सोल्व किया जाता है। कौन सा, जो भी आप, जिसकी डिमांड तो पहले थी, पहले डिमांड नहीं थी, नहीं डिमांड हर चीज, उस हर रोज की डिमांड नहीं आती है। देखो, हर रोज ट्रैफिक नया बनता है। हो क्या रहा है हमारे यहाँ, होता क्या है, ये सड़क बनी है अभी, इसके बाद में यहाँ पे टेलीफोन वाले आएंगे गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, उसके बाद सीवरेज वाले आएंगे गड्ढा खोदेंगे। अभी आपने कहा हम युवा है, युवा सरकार और सोच को बदलेगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर सोच बदल कहाँ रही है? अगर एक सड़क बनने के बाद उसमें 3 साल भी नहीं हुए, क्या 3 साल पहले नहीं दिख रहा था कि यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ से एक गांव जा रहा है, इस गांव के लिए रास्ता चाहिए होगा? मतलब ये जो शासकों के, हुक्मरानों के ये जो तरीके हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोगों को परेशान करने के हैं। आशु राजपाल जी, हाँ जी, आप बाजार के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप प्रधान हैं बाजार के। मैं इनसे ये कह रहा था कि पहले सड़क बनेगी, फिर सड़क खोदी जाएगी, फिर उसमें टेलीफोन वायर डालने वाले आएंगे, फिर उसमें वाटर सप्लाई वाले आएंगे, फिर उसमें सीवरेज वाले आएंगे। एक दिन मन करेगा आशु का कि मेरी दुकान पे वाटर सप्लाई आनी चाहिए, फिर वो तोड़ देगा। क्या ये सब कुछ वाजिब ठीक है क्या? देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब
सड़क मार्केट की आज से लगभग 20 साल पहले बनी थी। ये तो 20 साल पहले नहीं बनी होगी, इसको जिससे मैं खड़ा हुआ हूँ लगभग इसको 20 साल तो से ऊपर हो गया होगा। 20 साल तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 20 साल तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये रोड में पानी भर जाता है, ये दोबारा रिपेयरिंग भी मांग रही है। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था आशु जी, क्या सरकारों को ये नजरिया बदलना नहीं चाहिए कि जो विकास अगर कर रहे हैं तो उसकी ड्राइंग ऐसी बना दें कि उसके बाद उसको तोड़ने फोड़ने की जरूरत ना पड़े। कि जो पैसा निकलता है, जीएसटी भरते होगे आप भी, इनकम टैक्स भरते होगे आप भी, सेल टैक्स भरते होगे आप भी, ये टैक्स भरते होगे और पता नहीं इतने टैक्स तो होंगे, शायद मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा, इतने टैक्स भरते होंगे। ये सारे टैक्सों वाला पैसा अगर वाजिब जगह लगेगा, अगर एक सड़क की क्रेडिबिलिटी रहेगी कि भाई ये आज बनी है, अब इसके बाद ये 3 साल इसको नहीं छेड़ा जाएगा, अगर ये जो राजनेता इन ठेकेदारों को आश्रय देना बंद कर देंगे, सहारा देना बंद कर देंगे, तो अच्छा नहीं होगा क्या? ना ना, बिल्कुल आपका सुझाव ठीक है। अगर राजनेता इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठेकेदार को श्रेय नहीं देंगे, तो शायद ऐसा आगे कार्य नहीं होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये श्रेय देते हैं तब जाके एक रोड को 4 बार बनाया जाता है, उसमें कोई बात ही नहीं। तो 4 बार एक सड़क बने या एक साथ 4 सड़कें बने, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा बताओ मुझे? एक साथ 4 सड़कें बने तो ज़्यादा अच्छा वो होगा, है ना? और ये होता क्या है कि एक सड़क को 4 बार बनाया जा रहा है। अभी महावीर जी कह रहे थे कि एक सड़क के 2 बार उद्घाटन हो रहे हैं। अब कई बार ऐसी सड़क हो भी जाती है, उसमें कई अच्छा इसमें जरूर नहीं है कि भाई प्रशासन की गलती है, ठेकेदार भी गलत निकल जाता है कई बार। ठेकेदार गलत है तो फिर कौन भुगतेगा उसको? आप बाजार के शहर के लोग भुगतेंगे या सरकार के लोग? ठेकेदार भुगतेगा ना उसको। अगर कहीं ठेकेदार ने गलत काम किया है, गलत मटेरियल लगाया, उसको सही मटेरियल लगाएगा उसको, है ना? तो इसमें कहीं कोई बात नहीं, उसको ठेकेदार भुगतेगा। ये बताओ माहौल क्या है? अभी मैं कल की आपको ताजा बात बताऊं कि सुरेश छुटाने वाली गली बन रही है, वार्ड नंबर 12 में ही आती है, वहाँ ठेकेदार पुरानी ईंट लगा रहा था, मैं मौके पे पहुंचा, मुझे बुलाया गया, मैंने क्या कर रहा है भाई तू, जब इस गली को तूने पूरा बनाया तो उस चौक को नई ईंटे लगा, ईंटों को उखाड़। मैंने उसका शिकंजा कसा, उस पर भी मैंने कार्रवाई करी। जहाँ ठेकेदार गला था उसको रगड़ा लगाना चाहिए भाई, इसको सही कर तू, ये तो अपने मटेरियल को उठा। उससे भी मैंने काफी का, अब मैं नाम नहीं लूंगा उस ठेकेदार का, उससे ठीक है बस एक दिन में नहीं, मैं कि जब नई ईंट आएंगे तो पुरानी क्यों लगा रहा है, पुरानी का पैसा ले रहा है क्या? उसको कहा, उसने कहा ठीक है भाई साहब मैं इसको कर। अच्छा ये बता माहौल क्या है? माहौल ठीक चल रहा है, बीजेपी का साइलेंट वोट है, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। साइलेंट? हाँ, बीजेपी का साइलेंट वोट है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना अंदर खाने है। हाँ, बस साइलेंट को अंदर खाने भी कह सकते, अंदर खाने वाले हैं। सरदाना जी। हाँ जी सर। बहुत सीनियर पत्रकार हैं आप। हाँ जी। और यहाँ के बहुत पुराने बाशिंदे हैं। हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जवाहर नगर में कितना बदलाव देखते हैं आप पिछले 2 दशक में, 3 सरकारें देख ली? देखो बदलाव तो स्टेप बाय स्टेप होता ही है, हर वर्ष होता है, सरकारें चाहे किसी की बने, बदलाव तो कुदरत का भी नियम है, न्यू जनरेशन आ रही है वो भी बदलाव ला देती है, तो बाकी सब ठीक चल रहा है वैसे तो फिलहाल। तो जनता का मन क्या लग रहा है? देखो जनता दोनों तरफ है, जनता दलाल साहब के साथ भी है, कांग्रेस के पे भी है, बीजेपी भी है। बाकी जहाँ तक मैं अपनी नज़र से देखता हूँ कि इस पलवल विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। हाँ अच्छा सरदाना जी, एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे मैं। 10 साल टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने दीपक मंगला को, ठीक है, चेहरा मोहरा सब कुछ बने रहे। टिकट दिया होडल में जगदीश नायर को, वो भी चेहरा मोहरा सब कुछ बने रहे। टिकट दिया प्रवीण डागर को, वो भी चेहरा मोहरा सब बने रहे, एकदम से सारे बदल दिए। जैसे वो कहते हैं ना, घर के सारे बदल दूंगा। हाँ, जैसे 3 के 3 बदल दिए, हथीन से पलवल से और होडल से, तीनों विधायक, मौजूदा विधायक बदल दिए। तो आखिर हाई कमान की भी कोई ना कोई रणनीति रही होगी। डर लगता है या बदलाव लगता है या कोई और सोच? नहीं, देखो टिकटें तो या एंटी इनकंबेंसी, सुनो टिकटें तो हाई कमान ने बदली है, तो हाई कमान को किसका क्या डर? जनता का डर, जनता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। नहीं देखो, आपकी बात में मान लूंगा, जनता जनार्दन होती है, पर आखिर कहीं ना कहीं गई होंगे हाईकमान पे रिपोर्टें कि भाई इनकी जो है ना नेगेटिव रिपोर्टिंग चल रही है, तो इसलिए उन्होंने टिकटें बदली होंगी, कोई ना कोई कारण ही तो हाईकमान सोचे। तो बाकी तीनों विधायक थे, तीनों सही चल रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो नहीं बदलने चाहिए थे। अगर बदली है तो वो भी कुछ ना कुछ सोच समझ के बदली होंगी, या हाईकमान कुछ और ज्यादा चाह रहा होगा, या उनको लग रहा होगा कि ये कैंडिडेट
भाई नहीं जीत पा रहे होंगे तभी बदली गई है। सरदाना जी बस यही मेरा सवाल था, उनको लगा नहीं जीत पा रहे तो बदल दो, अगर जनता को लगा जनता नहीं जीत पा रही तो थोपे रखो। देखो जनता ही तो जनार्दन है, जनता ने ही तो वहाँ रिपोर्टें पहुँचाई होंगी कि भी ये नहीं जीत रहे, इनकी नेगेटिव रिपोर्टिंग चल रही है तो इस वजह से बदली होंगी। हमें कहावत सुना करते हैं कि सिकंदर चलता था तो धरती पे घास पे आग लगती थी, कोई सुनने वाला नहीं होता। मैं वही कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे विधायक थे सभी, मैं नहीं कह रहा कि इनके काम अच्छे थे या बुरे थे, ये तो जनता हमेशा फैसला किया करती है और पार्टी के टिकटों में पार्टी का फैसला होता है। पर सिर्फ ये होता है कि अगर आपको लगा एकदम से लगा, आपने कहा भी कहा कि वो लग रहा होगा कि नहीं जीत पा रहे थे, नहीं जीत पा रहे थे तो बदल दिया, अगर जनता कभी कह रही थी तो फिर जनता की सुनवाई क्यों नहीं करते ये राजनीतिक दल, खासकर बड़े नेता लोग। देखो अगर अगर हाईकमान ने बदली है, अब वोट तो जनता के ही हाथ में, अब जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी कि भाई कि भाई यहाँ से जिन 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 शख्सों ने रिपोर्टें वहाँ पहुँचाई हैं अगर उनकी रिपोर्टों में दम होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी 8 तारीख को हो जाएगा। अगर दूध और पानी इकट्ठा मिक्स रहेगा तो क्या होगा? मिक्स तो अभी हुआ ही पड़ा है, अभी मिक्स है। नहीं मिक्स तो हुआ ही पड़ा है, वो फैसला तो 8 तारीख को होगा जी कि दूध अलग और पानी अलग होता है या नहीं होता जी, जी, जी। जनता तो वो कर ही देगी। तो मैं महावीर जी अभी पूछ रहा था इनसे कि 3 MLA दिए थे जी और 3 MLA बदल दी। देखो मग्गू जी, जो ये टिकटें बदली, ये तीनों के तीनों इनके फेल हो गए MLA, तीनों भ्रष्टाचार में लिप्त थे। यहाँ NOC देने में पैसे लगते थे, कोई भाई यहाँ खड़ा हो अपनी प्रॉपर्टी ID निकलवाए, किसी की ID में तो जमीन कम, किसी की में ज्यादा, किसी की में नाम कम अलग, मतलब सिर्फ एक पैसे खाने का माहौल बनाया गया। अपनी ID ठीक कराने जाते थे तो सब पैसे से होती थी, वैसे नहीं होती थी। एक NOC का वो चला दिया, जब आदमी हाउस टैक्स भर दिया उसको भी वो नहीं मानते थे NOC। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करो, जब NOC निकलेगी ऑनलाइन में क्या करते हैं, फेल कर देते हैं उसको। नहीं जी NOC आपकी फेल हो गई। यहाँ बुजुर्गों की जो पेंशन बनती थी वो पैसे लेके बनी। बात यहाँ अभी कर रहे थे भाई मेरे की सफाई व्यवस्था में बहुत अच्छा रहा। यहाँ से थोड़ी दूर आपके चौराहे आए एक सर्वानंद चौक है, सर्वानंद जी अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने बनवाया वो। वहाँ पे जो गंदगी का माहौल है शायद पूरे कैंप कॉलोनी में इससे ज्यादा बदतर नहीं होगा। वहाँ 24 घंटे कभी देख लो गंदगी का अंबार लगा हुआ उस चौराहे पे, ऐसी गंदगी कभी नहीं होती थी कभी भी। और वहाँ जाके देखो, वहाँ गौ माता भी और नंदी जी भी, उनमें ऐसे खा रहे हैं पॉलिथिनियों को, ऐसे खा रहे हैं, बीजेपी वालों को कोई शर्म नहीं आ रही, लेकिन वो अपना गुणगान करने में कोई अपना वो नहीं कर रहे कि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, काम ऐसे हो रहे हैं। कैंप के अंदर जगह जगह जाके देखो, अगर गंदगी के ढेर ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी दिखाता हूँ मैं चल के। सुपरमार्केट है यहाँ की एक, वो किराया लेते हैं सुपरमार्केट में उनसे, उन दुकानों के बीच में सरकारी आदमी गंदा डालते हैं यहाँ पे। उनके हमारे पास फोटो है, वीडियो, हमने कितनी बार शिकायत करी उस चौराहे की भी वहाँ की भी कि भाई ये सरकारी आदमी है क्यों गंदा डाल रहे हैं, जब गाड़ियां लगी हुई हैं तो इनको क्यों नोटिस नहीं दे रहे। वैसे इनकी गाड़ी में चलता रहता है, अगर कोई बाहर गंद डालेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। चलो मैं कहता हूं कि एक आदमी पे इन्होंने जुर्माना लगाया हो तो मैं नाम बदल दूं। चलो महावीर जी, अभी आप कह रहे थे कि ये जो तीनों MLA थे भ्रष्टाचार में लिप्त थे इसीलिए टिकट बदली होंगी। अभी आज मैं एक दो वीडियो देख रहा था जी, आपकी पार्टी के कांग्रेस से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल कांग्रेस संबंध, बिल्कुल बिल्कुल आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं, आजकल भी विधायक थे, विधानसभा भंग हो गई, शमशेर गोगी जी, गोगी साहब कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद मौका लगाएगा, पहले अपने घर भरेंगे। मैं कई डिबेट में अभी चुका हूं। बताता हूं, सुनो, दूसरे MLA हैं पास वाले, बिल्कुल इकलौते MLA थे आपके इस लोकसभा में जी, नीरज शर्मा जी। ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की सजा भुगत करके आए नौकरियों के मामले में। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी जी। कांग्रेस के वो जो MLA कैंडिडेट हैं और जो पूछूंगा कल उनसे भी जाके जरूर, वो कह रहे थे कि ये बिना पर्ची खर्ची वाला सिस्टम हमारे समझ नहीं आता, अगर बूथ पर वोट दोगे तो 2000 नौकरी मेरे हिस्से में आएंगी, 50-50 नौकरी सबको बांट दूंगा। ये मतलब दाता कहां से हो गए लोग? ये देखो, सुनने का है, वो फर्क हो सकता है, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। हमारे हरियाणा की जो पोस्ट है वो 200,000 पोस्ट खाली पड़ी है, सारे डिपार्टमेंट में है वो, एक डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए। अब जब टैक्स सबसे ज्यादा गुड़गांव और फरीदाबाद देता है तो वो पैसा पूरे हरियाणा में बंटता है, मतलब वो आप
इसका मतलब वो जो कह रहे हैं वाजी में बात हो सही नहीं, मेरी बात सुनो आप, अगर हम ये जो ये कौशल रोजगार दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिना खर्ची के बिना पर्ची नौकरी मिलती थी, मैं तो कौशल रोजगार में नहीं, इन्होंने परमानेंट नौकरियां कितनी दी जो ये कहते हैं बिना पर्ची नौकरी मिली, जो भी दी फोर्थ क्लास की नौकरियां जो भी दी, अब ये निकली आधी तो कोर्ट में, इनके पेपर लीक हुए पड़े हैं। सुनो कहां से नौकरी, महावीर जी आप आगे जा रहे हो जी, मैं कह रहा हूँ कि क्या आप इसे ठीक मानते हो अगर वो ये कह रहे हैं कि हम देखो मेरी बात सुनो, 50 चौटाला जी ने अगर गलत किया जनता ने उनको घर बिठा दिया, कांग्रेस ने गलत किया तो जनता ने उन्हें घर बिठा दिया, आज बीजेपी ने गलत किया तो जनता उनको घर बिठा देगी, और अब जो कह रहे हैं हम ऐसे करेंगे, मैं जो गलत करेगा उसको घर बिठा देगी जनता, जनता सबसे समझदार है। अच्छा नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए और या फिर ये मिलनी चाहिए ये मेरा ये एरिया मेरा, योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, लेकिन बाहर के आदमी नहीं मिलने चाहिए, अपने हरियाणा के हों तो हरियाणा के ही होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज का कोटा डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होना चाहिए। चलिए तो SCS लगे थे, 80 SCS लगे थे, इनमें से 78 गुजरात के थे, क्या हरियाणा का ऐसा कोई आदमी नहीं था, ऑन रिकॉर्ड आप चेक करिए, 2018 में 2018 में SCS हरियाणा में जो लगे थे 80 SCS लगे थे, आप बता रहे हो रिकॉर्ड निकालिए गूगल में, 78 गुजरात के थे, क्या वो इतने इंटेलिजेंट थे कि पूरे देश में 78 गुजरात के, केवल गुजरात के, केवल गुजरात, मेरे को आपकी बात, मेरे को आपकी बात गूगल पे सर्च कर लीजिए, मेरे को आपकी बात नहीं बोलेगा, चलो उसको सर्च करके और मैं आपसे टेलीफोन कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा आप विकास देखना चाहते हैं ना, आप कभी शेखपुरा में आइए, अभी 20 दिन पहले हमारी सड़क बनी, वहाँ पानी भर जाता, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, मंदिर भी है, तीन तीन स्कूल है, सरस्वती कॉलेज का मुख्य रोड है, पलवल की सारी लड़कियां वहीं से जाती हैं, वो सड़क उठाई इन्होंने रिपेयरिंग के नाम पे बना दी, आज फिर वहाँ ऐसे गड्ढे हो, क्या 15 दिन भी इनकी सड़कें नहीं चलती, भ्रष्टाचार। आप यूथ हो, यंग हो बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि यंग की सोच होती है बदलने की जी, राजनीति को कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सबकी कहीं ना कहीं विचारधारा जुड़ी हुई है, नहीं हम किसी पार्टी से नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा जुड़े हुए, मैं कह रहा हूँ सबकी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जब हम वोट करने जाते हैं, जिसको वोट करते हैं तो उससे हमारी कहीं ना कहीं मानसिकता जुड़ी होती है, उस टाइम पे विचारधारा वहीं की होती है हमारी, तो उसको वोट करते हैं, किसी कैंडिडेट से होती है, किसी पार्टी से होती है, किसी गोत्र से होती है, सब कुछ होता है। जो ये शेखपुरा वाला बता रहे हो, ये सारा सब कुछ इसी 10 साल में हुआ है, पिछली भी जिम्मेदारी पहले कभी वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पहले कभी पानी नहीं भरता, 10 साल से वो सड़क नहीं बनी, इनको लास्ट में जब वोटिंग टाइम आया तो 15 दिन पहले सड़क बनाना याद आया इनको, अभी मेरे साथ बीएसपी कैंडिडेट था लास्ट चौधरी का, अभी मेरे साथ नहीं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा, अभी मेरे साथ अभी बीएसपी के कैंडिडेट थे, तो बीएसपी के कैंडिडेट अभी कुछ दिन पहले वो भाजपा जुड़े हुए थे, आज वो बीएसपी की टिकट लेके आए, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा जो अगर छेड़ूंगा तो तुम्हारा पुराना प्यार ज़्यादा जागेगा, अभी आप लाइव में देखना उस पर था, तो मैंने उनसे कहा अगर आपको मैं छेड़ूंगा तो आपका प्यार पुराना प्यार ज़्यादा जाग जाएगा, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ कि मतलब सारी जिम्मेदारी इस 10 साल की थी या पिछले की भी किसी को भी जवाबदेही है, पिछले की किसी की क्यों जवाबदेही होगी, जो सरकार में है जो 10 मतलब, साल से है, पिछला जो था चलो हाँ, पिछले ने किसी ने भ्रष्टाचार किया हाँ, बुरा किया उसने किया तो हम जब भी तो आपको लाए, ठीक बात, आपने भी वही चीज की तो फिर पिछले हाँ, में और आप में क्या फर्क रहेगा, आप किस नाम पे वोट मांगोगे हमसे, किस काम पे वोट मांगोगे, पलवल के लिए आपने 10 साल में क्या किया, मैं युवा हूँ मुझे रोजगार चाहिए, मुझे मेरे घर में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेरे यहाँ पे सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ठीक बात है, हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो हाँ, स्पोर्ट्स के अच्छे स्टेडियम हो, बिल्कुल, पलवल में हमारे एक ही ये है जो ये अपना हाई स्कूल है, सारे हमारे कल्चरल एक्टिविटीज उसमें होती है, वहाँ पे ये बीच में इंडोर स्टेडियम बना रहे थे, हमारे कहाँ पे होते रामलीला कहाँ होती है हमारी, और जो प्रोग्राम 15 अगस्त कहाँ होते, दशहरा कहाँ होता, 26 जनवरी कहाँ होती, आप बताइए कोई और स्टेडियम है, वो भी फिर बाद में किसी MLA ने भरवाया, उस टाइम पे जो करंट के MLA थे अपने निजी कोष से भरवाया था, हम तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े, जो पलवल का वर्क करेगा हम उसके साथ हैं, जो पलवल का विकास करेगा, चाहे आप देख लीजिए ISBT आ रही थी पलवल में, आज वो ISBT गायब है, जो हमारे यहाँ पलवल में जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, क्या पलवल में नहीं बन सकता था, पलवल में तीन जिस जिले ने इनको 3-3 MLA दिए, मंत्रालय इन्होंने क्यों नहीं दिया पलवल में, पलवल के वोट नहीं थे क्या इनके लिए, जिस जिले ने इनको सबसे बड़ी उससे मार्जिन से सांसद जिता के भेजा उसको क्यों कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, क्यों राज्य मंत्री बनाया, क्या ये 3-3 बार जिता के भेज रहे हैं तो पलवल की हैसियत नहीं है फरीदाबाद की, हम लोगों को तो ये समझते हैं टिश्यू पेपर, यूज एंड थ्रो, यूज करो वोट के नाम पे, तो हिंदू मुस्लिम सब याद आएंगे इनको कि भैया तू आ जा वोट दे, आज आप नगर परिषद में चले जाओ एक प्रॉपर्टी ID ले लीजिए विदाउट खर्ची पर्ची, अगर काम हो जाए तो आप कह देना, पोर्टल कितना सही मानते हो, जो पोर्टल चलते थे सारे पोर्टल 90% तो बंद रहते हैं जब तक पैसे नहीं देते, पोर्टल जब चलते हैं जब आप रिश्वत देते हो, विदाउट पोर्टल अगर किसी का वर्क हुआ हो तो आप बता देना,
पूरे ऑल ओवर हरियाणा में, हम हरियाणा की बात करेंगे इंडिया की नहीं करेंगे, अगर हम हमारे यहाँ का, क्योंकि लोकल इलेक्शन है तो लोकल मुद्दे उठेंगे, जो हमारे इलाके को रोजगार देगा, जो यहाँ मेट्रो ला रहा है, जो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ला रहा है, मेट्रो में तो घोषणा कर गई, नहीं मेट्रो एक भी फ्लाई ओवर इन्होंने बढ़ाया क्या आगे, एक साल पहले करी थी, हम मान लेते अगर फ्लाई ओवर बढ़ाते, ये सिक्स लाइन क्यों नहीं बनाया इन्होंने, ये अगर आप इस पे चलोगे तो कभी आप मेरे साथ चल के देखना कि ये कैसे बीप करता है, इसमें पूरे में पानी निकलता है, इसमें उल्टा डर लगता है कि कभी नीचे ना गिर जाए। और जो मैं आपसे कह रहा था ना, ये पूरे शहर का मुद्दा है, सरस्वती कॉलेज वाली गली, मेरे ख्याल से पलवल शहर में ऐसी कोई गली ना होगी जहाँ की बेटी वहाँ ना पड़ती हो, वो रास्ता उसमें इतना इतना पानी भर जाता है घुटनों से ऊपर, इन्होंने 20 दिन पहले उठाया, क्यों 10 साल से याद नहीं आया इनको कि यहाँ कोई पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी धर्म की, या एक इनको राजनीतिक द्वेष के कारण इन्होंने ये ऐसा किया। और 1985 में सरस्वती स्कूल में पढ़ता था मैं जी, महावीर जी बिल्कुल, आप भी पढ़ते थे बिल्कुल सरस्वती में, 1985 में भी मैं पानी भरता था और 2024 में भरता है जी। जिम्मेदार तो सब है बिल्कुल, चाहे वो आपके अगले थे चाहे वो पिछले थे, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे आज से 10 साल पहले थे चाहे आज हैं, जनता को मिलता है तो केवल और केवल और केवल सिर्फ ये कि आज इसको लाए हैं तो उम्मीद से कल बदल दें, कल कोई दूसरा आएगा तो शायद वो ठीक करे, शायद वो ठीक करे। चुनाव चल रहा है और चुनाव के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि आपसे लोगों की बात रोज रूबरू कराएं, हमारा प्रयास रहेगा कि आपसे मतदाताओं का मन में क्या है, मतदाता चाहता क्या है वो आपको बताएं, और इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।